सिर्फ पिछली बार। हाँ, हमें 100 रुपए का नेक्स्ट मिला है। उससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मेरे पास ये है जागो ब्लैक टीरेक्स। शेफ ने जेनेटिकली एक बड़ा ही खतरनाक डायनासोर बनाया था ब्लैक टीरेक्स। उसे रोकना बड़ा मुश्किल काम था। उसने हमारे डाइनो होल्डर्स के पत्थरों को भी कॉपी कर लिया था ताकि टाइम मशीन को ठीक कर सके। अगर उसने एक अलग टाइम पीरियड में और म्यूटेंट डायनासोर बना दिए तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। अब हमें सबसे पहले उस डायनासोर को रोकना होगा, फिर सेट से निपटेंगे, क्योंकि उसने आधा शहर तो तबाह कर दिया है और अब वो हमारे पीछे पड़ा है। अब टाइम मशीन को असली पत्थरों की तरह ही चलाएंगी। हम ब्लैक टीरेक्स के करीब भी नहीं जा पा रहे तो उसे रोकेंगे कैसे? हम उसे इतना भगाते हैं कि पहले की तरह उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब शायद नहीं होगा क्योंकि सेठ ने उसे अब और शक्तिशाली बना दिया है। अगर वो पत्थर हमें मिल जाए तो वो टाइम मशीन चला ही नहीं पाएगा। ब्लैक टीरेक्स के सामने गए बिना कंट्रोल डेस्क से पहुंचने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। चलो ढूंढते हैं। जा सकते हो, जमीन के नीचे से रास्ता है। एक मिनट रुको, मैंने अभी ऐसा कुछ कहा जिससे तुम्हें फायदा हो सकता है। चलो चलते हैं। जोनाथन, तुम ठीक हो? क्या तुम मेरा सिर सीधा कर दोगे? तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। मेरे सिर को 1000 वोल्ट का झटका लगेगा तो ये ठीक हो जाएगा। मशीन रूम ठीक नीचे है, उधर जाओ उन दरवाजों के आगे। हाँ ठीक है। मैक्स, तुम दोनों ठीक हो? ये क्या हो रहा है? हम अभी सेंट्रल कंट्रोल डेक के ठीक बाहर हैं। टाइम मशीन में यही खड़ी है, हम अंदर जा रहे हैं। तुम ब्लैक टीरेक्स को रोको, ठीक है? अपना ध्यान रखना। जोनाथन, तुम मैक्स का ध्यान रखना। तुम फिक्र मत करो, चलो चलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 5 मंजिल से कूदने से गहरी चोट लग सकती है। लगता है अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। क्या तुम जानते हो 5 मंजिल जितने ऊंचे डायनासोर से टकराने पर और ज्यादा चोट लगेगी? एक काम करते हैं, क्या हम साथ में फ्यूजन मूव का इस्तेमाल करें? हाँ, उससे बात बन सकती है, मगर उसके लिए यहाँ जगह कम है। सुनिए दादू, अगर आप ब्लैक टीरेक्स को लोडिंग डेक पर ले जाए तो हम उसे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। वाह, क्या बात कही है, तुम जरूर मेरे खानदान का नाम रोशन करोगे। अब कोई चाहिए जो उसे ललचा सके। क्या तुम ऐसे क्या देख रहे हो? ये तो चीटिंग है। सीनियर सन की साइंटिस्ट को ऐसे काम उसे दूर रखना चाहिए। उम्र का तो ख्याल करो। अगर तुम डायनासोर किंग बनना चाहते हो तो ये काम तुम्हारे लिए बड़ा आसान है। तुम उसे कहीं भी ले जा सकते हो, जल्दी जाओ। मगर वो मुझे आसानी से खा भी सकता है। अब रोना बन जाओ। मुझे मत खाओ, मुझे खाया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मेरे शरीर में सिर्फ हड्डियां है और आज मैंने खाने में प्याज और काली मिर्च खाई है। हम पीछे के रास्ते से लोडिंग डेक पर जाते हैं, तब शायद उससे पहले पहुंच जाएंगे। चलो।
अब क्या करें? मैं इनसे निपटता हूँ। जोनाथन, मैं रेक से तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया है मैक्स, मैं वादा नहीं तोड़ता। तुम्हें जोनाथन की मदद करनी होगी। चौंक डायनो स्लैश, ट्राई करो चौंक, हमला करो। ब्लैक टीरेक्स मेरी जान के पीछे पड़ा है और ये दरवाजा भी। बहुत खूब दादू। हाँ, अब हमें जल्दी से बाहर जाना होगा वरना ब्लैक टीरेक्स हमें खा जाएगा। तुम हमें यहाँ से ले चलो रॉड। हाँ, मैं भी चाहता हूँ, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एलिवेटेड कंट्रोल्स कमरे के उस तरफ है। दादू, आप फिर से जान की बाजी लगाइए और वो बटन दबाइए। मैं डरपोक नहीं हूँ, मगर मैं भी मैं देखती हूँ। जरा ध्यान से हेल्प गांधी। बहुत खूब, अब हम चाहे जितने डायनासोर बुला सकते हैं। चलो बुलाते हैं। यहाँ डायनासोर रोडियो होने वाला है। लाओ ये मुझे दो। बेईमानी मत करो, मैं भी डायनासोर को बुलाना चाहता हूँ। शुरू करो। डायनो स्लैश, डायनो स्लैश। बहुत बहुत शुक्रिया जोई, आ जाओ बाहर सब के सब। चलो बाहर। यह जरूर कुछ अजीब सा हो रहा है। ब्लैक टीरेक्स के साथ तुम लोगों की जंग कैसी चल रही है? हम सारे डायनासोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तुम अपने कार्ड्स के साथ जोनाथन को यहाँ पर भेज दो, शायद उससे काम बन जाए। भेजता हूँ जोनाथन। हाँ मैक्स, जल्द से जल्द ये कार्ड्स रेक्स और बाकी लोगों तक पहुँचा दो। ठीक है, मगर इन एंड्रॉइड्स का क्या होगा? इनकी फिक्र मत करो, चौंप इन सबको कबाड़ खाने में पहुँचा देगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तैयार हो जाओ दोस्त, छोड़ना मत इन्हें। बहुत बढ़िया चौक, यीहा! अगर हमें वो पत्थर मिल गए तो हम टाइम मशीन को रोक देंगे। अरे ये क्या बोला है? ये मेरे हाईली चार्ज्ड इलेक्ट्रो बार्स हैं जो तुम जैसे घुसपैठियों को रोकने के लिए मैंने लगाए हैं। नहीं। हाँ, अब हम समय की सैर पर जाने वाले हैं। क्या ये क्या है रॉड? खेल खत्म, वो कामयाब हो गया। सेठ ने टाइम मशीन चला ली है और अगर हमने उसे रोका नहीं तो हम दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाएंगे। ब्लैक टीरेक्स को हराने के लिए हमें और डायनासोर चाहिए। ने कहा है कि ये डायनासोर कार्ड मैं तुम्हें दे दूं रेक्स। जोनाथन,
तुम्हें तो चोट लगी है। मुझे छोड़ो, कार्ड्स का इस्तेमाल करो। बेचारा जोनाथन। सही बात है, जल्दी करो, हमें कार्ड्स का इस्तेमाल करना है। सब एक एक ले लो। डायनो स्लैश, अल्ट्रा स्लैश। ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा है। अब तुम्हारी समझ में आएगा ब्लैक टीरेक्स मुझसे पंगे लेने पर क्या होता है। मैं हूँ असली डायनासोर किंग। मैं जानता हूँ तुम इस टाइम मशीन में अपने म्यूटेंट डायनासोर्स को वहाँ ले जा रहे हो जहाँ असली डायनासोर्स खत्म हुए थे। समझदार हो, मगर मेरे ये डायनासोर्स म्यूटेटेड नहीं है, इवॉल्वड है। मगर है तो नकली ना। ये कभी खत्म नहीं होंगे और हमें पता लगेगा कि अगर आज भी डायनासोर्स यहाँ होते तो क्या होता। हाँ? शायद मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, है ना? हाँ? नहीं, ये क्या? ये क्या हो रहा है? हाँ, ये नहीं हो सकता, पूरा शहर प्री हिस्टोरिक बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि टाइम मशीन हमें किसी और जमाने में ले जाने की बजाय प्री हिस्टोरिक पीरियड को आज में ले आई है। दोनों समय को मिला दिया है। ये डायनासोर तो पूरे शहर में हंगामा मचा देंगे। ये डायनासोर तो मेरा हाजमा बिगाड़ने पर तुला है। जल्दी करो, हम करेंगे फ्यूजन मूव। सीधे गिरते रहो, उन्हें बचा लेंगे। मुझे लगता है मेरा पेट भी ठीक हो गया। मैं तो बच गए। अब हम करेंगे फ्यूजन मूव। हाँ। चलो सब साथ में। सुपर फ्यूजन मूव। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मगर मुझे लगता है एक और हमला और वो मारा जाएगा। पावर मैट्रिक्स अपने आप ही खत्म होने लगा है। लगता है कॉपी पत्थरों में कोई खराबी है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ? अरे हाँ, मैं इनके बीच से हाथ निकालकर कार्ड स्लैश कर सकता हूँ। अफसोस। किस बात का? तुम जरा ये देखो, ये है मेरा वार। अब ये लो। फिर से सटीक हमला, मगर उसमें जान बाकी है। पत्थर तो ठीक लग रहे हैं, फिर सिस्टम कोलैप्स क्यों हो रहा है? पता लगाना होगा। छोड़ो मुझे। नहीं, काट लो जॉम। देखो तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। ओए, तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया, अब क्या करोगे? जॉम, नहीं, जॉम को छोड़ दो सेथ, खेल खत्म।
खत्म हो गया है। कभी नहीं, जब तक मैं दुनिया में अपने डायनासोर का राज नहीं देखता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। सपने मत देखो, मेरे रहते तो मैं सबका भी नहीं कर पाऊंगे। मुझे डायनासोर से बहुत प्यार है, फिर भी मैं इस दुनिया में तुम्हारे बनाए तो कभी नहीं देखना चाहता। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। मैंने तुम्हें पकड़ लिया चोप। शुक्रिया। बाल बाल बचे। अच्छा है कि तुम बच गए। वेलकम बैक मैक्स। चोम, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमें कंसोल के अंदर असली पत्थर लगाने होंगे वरना पूरी मशीन फट जाएगी। जल्दी करो, चलो। ये तो बिल्ली की तरह गुर्राने लगी है। सेठ कहाँ चला गया? वो एक वॉर्टेक्स में चला गया है। देख लिया ना बच्चों, बुरे लोगों का यही अंजाम होता है। कहाँ? शायद उसके अंदर कोई है। वो कौन है? रेक्स, वो तुम्हारे मॉम और डैड है। हेलो रॉड। वेलकम बैक। हाय मिसेस एंशियन। आपको सलामत देखकर खुशी हुई। शर्मा क्यों रहे हो रेक्स? उनसे मिल तो लो। तुम्हारा नाम रेक्स है? कहीं ऐसा तो नहीं, ये तावीज तो मैंने पहनाई थी। हाँ। ओ रेक्स, तुम मेरे बेटे हो ना, बोलो। मेरा बच्चा। ओ डार्लिंग, देखो ये कितना बड़ा हो गया है। रोना मना है, ये मौका खुशी का है। जा रहे हो का क्या मतलब? क्या हुआ, क्या बात है? मॉम और डैड कह रहे हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा। मगर ऐसे भी क्या जल्दी है? डैड कह रहे थे कि बैकलैंडर को कभी का इस टाइम पीरियड में आ जाना चाहिए था। ये बैकलैंडर क्या है? ओ, वो हमारी टाइम मशीन का असली नाम है। वो अभी भी काम कर रही है? हाँ, कर तो रही है। मुझे लगता है कि वो सेठ के कॉपीड पत्थरों की वजह से थोड़ी खराब हो गई थी। जब बनाने वाला ही ओवरहॉलिंग भी करे तो नई जान तो आ ही जाती है। आखिरी सिस्टम चेक भी हो चुका है और अब वक्त है यहाँ से जाने का। रेक्स की याद आएगी और इसकी भी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने सारे डायनासोर जमा कर लिए हैं। तुम तीनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, कमाल का। हाँ, मगर इन तीन शख्स के बिना हम ये काम कभी नहीं कर पाते, और वो है चोम, एस और पेरिस। इतना ही नहीं, लॉरा और रॉड ने भी काफी साथ दिया। अगर हमारे दादू वो सब नहीं करते तो हमें शायद और ज्यादा आसानी होती। माफ कीजिए। थैंक्स, मगर लॉरा तुम उसके बारे में मत सोचो, ये सोचो कि हम सब अब दोस्त हैं। डॉक्टर जी की बात से याद आया, वो कहाँ है? तुम मुझे एक शरारती बच्चे की तरह कमरे में। तीनों भी जोर लगाओ ना, कम से कम ये दरवाजा तो तुम तोड़ ही सकते हो। जल्दी करो, हम यहाँ से निकलना है। जाओ हेल्गा, जानती हो ना इसे भीड़ में परेशानी होती है। मान जाओ। बस बहुत हो गया शोर शराबा, तुम भी चुप रहो आंटी। सुनो, क्या हेल्गा ने वही कहा है जो मैंने सुना? मैं आंटी नहीं हूँ। सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं, अब कंसोल के अंदर सारे पत्थर डाल दो। क्या कहते हो रेक्स, तुम वाकई जा रहे हो? हाँ, मगर उदास होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब फिर से मिलने वाले हैं। हाँ, जरूर मिलेंगे। सही कहा, अपनी टाइम मशीन में तुम कभी भी हमारे पास आ सकते हो, साथ में एस चॉम पर पेरिस को भी लाना। हाँ, आई एम सॉरी, मगर तुम तीनों को अपने अपने डायनासोर भी हमें ही देने होंगे। क्यों? क्योंकि डायनासोर कार्ड्स उन स्पीशीज को बचाने के लिए बनाए गए थे। हमें उन्हें ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ कोई उन्हें छू ना सके। नहीं, मैं नहीं दूंगा। दे दिया तो चोम मुझसे कभी नहीं मिल पाएगा। पेरिस भी। चोम और चोम, पेरिस। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त, हमने साथ में कितनी मस्ती की। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता चोम।
हिम्मत से काम लेना, मुझे तुम्हारे बहुत मेरी प्यारी पेरिस, अपना ध्यान रखना। एस, मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ तो नहीं रहोगे मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। नहीं, अब रोना नहीं। आप इन सब का पूरा ध्यान रखेंगे ना? हाँ बच्चों। मैक्स, सुई, डैड को न्यूयॉर्क में कॉल करना, उन्हें सब कुछ बता देना, कहना कि मैं जल्दी उनसे मिलने आऊंगा। हाँ, मैं बता दूंगा। बाय रेक्स, फिर मिलते हैं। बाय बाय। तुम लोग घर लौट आए। मॉम, डैड। हेलो माय डियर। स्पाइक, रेक्स कहाँ है और वो सारे डॉगीज कहाँ हैं? वो सब वहाँ हैं। रॉड, लॉरा, एस और पेरिस। और जॉन, हम फिर मिलेंगे। हाँ, हम जल्द ही मिलेंगे। King is your destiny, yeah. Come on, come on, make your move.